उत्परेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्परेति कथिता सर्व पाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा, चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 47वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सिरपुर में स्थित चंडी मंदिर का अवलोकन किया। सिरपुर में केवल उत्खनन से प्राप्त प्राचीन मंदिर ही नहीं है, अपितु यहाँ विभिन्न समाजों द्वारा अपने आराध्य देवों हेतु निर्मित अनेक सुंदर मंदिर भी स्थापित है जो की नव निर्मित है। आज की इस कड़ी में हम इन्हीं नव निर्मित मंदिरों का अवलोकन करेंगे, जिनमें कुछ प्राचीन प्रतिमा खंड भी संरक्षित है। इसके साथ ही हम सिरपुर में स्थित एक अत्यंत प्राचीन आश्रम का भी अवलोकन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। रायकेरा तालाब सिरपुर का एक प्राचीन सरोवर है। किंवदंती है कि इसमें पारस पत्थर है। इसके तट पर एक नवनिर्मित मंदिर स्थापित है। यहाँ कृष्ण प्रस्तर से निर्मित भगवान विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित है, जिसे गांव के लोग ठाकुर देव के नाम से पूजा करते हैं। श्वेत वस्त्र से आविष्ठित होने पर भी हम इनके हस्त में शंख देख सकते हैं। रायकेरा तालाब से पश्चिम दिशा की ओर गंधर्वेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग में हमें इस प्रकार का एक शिव मंदिर दिखाई देता है। मंदिर नवनिर्मित है, परंतु इसके भीतर एक अत्यंत प्राचीन व दिव्य शिवलिंग स्थापित है। मंदिर उत्तराभिमुखी है। भले ही मंदिर नवनिर्मित है, परंतु इसके भीतर स्थापित शिवलिंग प्राचीन है। सिरपुर में स्थित नवनिर्मित मंदिरों में भी हमें प्राचीन वास्तुखंड देखने को मिल जाते हैं। गंधर्वेश्वर महादेव मंदिर के निकट ही भगवान जगन्नाथ जी का एक मंदिर स्थित है। बाहर से देखने पर मंदिर में कोई प्राचीन वास्तुखंड दिखाई नहीं देता, परंतु मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार प्राचीन प्रस्तर स्तंभों से निर्मित है। भीतर भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा एवं भगवान जगन्नाथ जी की काष्ठ निर्मित प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहीं मंदिर के मंडप में नवनिर्मित जलहरी पर एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित हैं। इन्हीं मंदिरों के निकट अनेक समाजों द्वारा बनाए गए अनेक मंदिर स्थापित हैं। यहाँ हम देख रहे हैं भोयरा मरार समाज द्वारा निर्मित एक मंदिर। मंदिर भले ही आधुनिक समय में निर्मित है, परंतु इसकी कलाकृतियाँ निश्चय ही आकर्षक हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार एवं मुख मंडप को सुंदर प्रतिमाओं से सुसज्जित किया गया है। मंदिर के मुख मंडप में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का अंकन है। भोयरा मरार समाज द्वारा निर्मित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, अतः यहाँ निर्मित प्रतिमाएं भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को प्रदर्शित करती हैं। मंदिर के गर्भगृह में वेणु बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण एवं देवी राधिका जी की प्रतिमा स्थापित है। जैसा कि हमने पूर्व चलचित्र में कहा है कि जब पुरातत्व विभाग सिरपुर में पुरावशेषों के संरक्षण हेतु कुछ विशेष प्रयास नहीं किया था, तब भी यहां अनेक प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त होती थीं। मरार समाज द्वारा भी इस मंदिर में अनेक प्राचीन प्रतिमाओं को संग्रहित किया गया है। इस मंदिर के भीतर इस प्रकार की कुछ प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं। स्त्री व पुरुष की प्रतिमाएं एवं ऊपर हम देख रहे हैं नृत्यरत भगवान शिव जी की एक प्रतिमा। युगल प्रतिमा के वक्षस्थल को देखकर हम स्त्री एवं पुरुष प्रतिमाओं का अनुमान लगा सकते हैं। ऊपर हम देख रहे हैं भगवान शिव जी नृत्यरत मुद्रा में हैं एवं पार्श्व में अन्य शिवगण दिखाए गए हैं। दूसरी ओर भी
इसी प्रकार से प्रस्तर से निर्मित एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा स्थापित है जो कि किसी देवी की प्रतिमा प्रतीत होती है। देवी की इस प्रतिमा के ऊपर एक और प्रतिमा भी स्थापित है, अत्यंत क्षरित हो जाने के कारण पहचान कठिन है। यहीं पर देवी शाकंभरी जी की एक नवनिर्मित प्रतिमा स्थापित की गई है। यहीं से कुछ दूरी पर कबीर आश्रम स्थित है और कबीर आश्रम के निकट ही निषाद समाज द्वारा निर्मित भगवान श्री रामचंद्र जी का एक मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में भी हमें कुछ अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, परंतु उससे पूर्व हमें इस नवनिर्मित मंदिर की नवनिर्मित सुंदरता का भी अवलोकन करना चाहिए। मंदिर नवनिर्मित है, तथापि इस पर किया गया रंग रोगन इसे अत्यंत चित्ताकर्षक बनाता है। विभिन्न देवी देवताओं, यक्ष गंधर्वों एवं भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से संबंधित कथाओं को प्रदर्शित करती अनेक प्रतिमाएं यहां प्रदर्शित हैं। मुख्य मंदिर के सम्मुख ही कुछ प्राचीन मंदिरों के सदृश संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हीं के भीतर एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित है। एक और प्राचीन शिवलिंग मंदिर के आंगन में भी स्थापित है। इस प्रकार के अनेक प्राचीन शिवलिंग सिरपुर में प्राप्त होते हैं व विभिन्न मंदिरों में हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके पार्श्व में ही एक भारवाहक गण की प्रतिमा है जिसके ऊपर एक कच्छप प्रतिमा है। यह द्वार शाखा का भाग था जिसके ऊपर नदी देवी यमुना खड़ी रही होंगी। इसके ऊपर रंग रोगन कर दिया गया है जिसके कारण इसकी प्राचीनता लुप्त हो गई है। वस्तुतः यह एक प्राचीन वास्तु खंड है। मंदिर का मुख्य मंडप भी अत्यंत सुंदर प्रतिमाओं से सुसज्जित है। हम यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथाओं से संबंधित अनेक प्रतिमाएं देख सकते हैं। शबरी द्वारा भगवान को जूठे बेर खिलाना और उनके पार्श्व में ही गोस्वामी तुलसीदास जी का अंकन यहाँ पर किया गया है। सुनहरे रंग में चमकता मंदिर का चौखट व भीतर स्थापित हैं भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता एवं भगवान लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं। निषादराज गुह भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य मित्र थे, अतः निषाद समाज द्वारा यह मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है। अब प्रवेश करते हैं कन्नौजे समाज द्वारा निर्मित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर के आंगन में हमें एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग के दर्शन होते हैं। संभवतः यहाँ ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ एक न एक प्राचीन शिवलिंग के दर्शन हमें न हो। कलश के जल से सतत अभिषिक्त भगवान शिव जी का लिंग स्वरूप। प्राचीन शिवलिंग के पश्चात हम देख सकते हैं कुछ अत्यंत प्राचीन प्रस्तर वास्तुखंड मंदिर की भित्तियों में। मंदिर नवनिर्मित है, तथापि इसकी भित्तियों में हम कुछ भारवाहक गण इत्यादि यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं सिंह की एक प्रतिमा। एक प्राचीन वास्तुखंड जिसका रंग रोगन कर दिया गया है। मंदिर के गर्भगृह में देवी लक्ष्मी एवं भगवान नारायण की अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं हम यहाँ देख रहे हैं। इसे मंदिर के समक्ष ही एक अत्यंत भव्य प्रतिमाओं से युक्त मंदिर हम देख सकते हैं। यहाँ पाटलेश्वर महादेव नाम से भी एक मंदिर स्थित है। यह मंदिर भी आधुनिक है और इसके भीतर स्थित शिवलिंग भी नवनिर्मित है। पुरातात्विक दृष्टि से तो नहीं, परंतु आस्था की दृष्टि से हम इसे एक महत्वपूर्ण मंदिर कह सकते हैं। वर्तमान में जहां सिरपुर का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित है, यहीं निकट कुछ ही दूरी पर एक अत्यंत प्राचीन आश्रम स्थापित है। भूतकाल में इस आश्रम में साधु हरिदास निवास करते थे। इस आश्रम का
शांत प्राकृतिक वातावरण चित्त को अपूर्व शांति प्रदान करता है। आश्रम परिसर में अनेक पुष्पीय पौधे व अनेक औषधीय पौधे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ आश्रम में अनेक प्राचीन शिवलिंग व अन्य प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं भगवान गणेश जी की एक अत्यंत प्राचीन प्रस्तर प्रतिमा। यहीं पर स्थापित हैं भगवान शिव जी का एक लिंग स्वरूप। शिव जी का यह विशाल लिंग स्वरूप हम यहाँ देख रहे हैं। आश्रम परिसर में ही वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी का यह लिंग स्वरूप। शिव जी का यह लिंग स्वरूप अत्यंत प्राचीन है। हम अष्टकोणीय भाग एवं ऊपर का गोलाकार भाग यहाँ देख पा रहे हैं। ये शिवलिंग व प्रतिमाएं प्राचीन होने के कारण पुरातात्विक महत्व की हैं। इसके निकट ही हम भगवान विष्णु जी की प्रस्तर निर्मित एक खंडित प्रतिमा देख पा रहे हैं। प्रतिमा खंडित होने पर भी इस पर उत्कीर्ण की गई कलाकृतियां अत्यंत आकर्षक हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कमल पुष्प के ऊपर खड़े भगवान विष्णु जी। विष्णु जी का कटी भाग से नीचे का ही भाग यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ऊपर का भाग खंडित है। इसके पार्श्व में ही शिव जी का लिंग स्वरूप देख पा रहे हैं। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने सिरपुर में स्थित कुछ नवनिर्मित मंदिरों एवं उनके भीतर संरक्षित प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाओं व अन्य वास्तुखंडों का अवलोकन किया। आगामी चलचित्र में हम सिरपुर में उत्खनन से प्राप्त राजमहल परिसर एवं कुछ अन्य पुरातात्विक स्थलों के विषय में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।